22 कदम जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की और ये डिसाइड हुआ कि आप ये रोल करेंगी, तो एक्साइटमेंट थी, चैलेंज लग रहा था, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? टू मेनी इमोशंस. आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज काइंड ऑफ नर्वस एज वेल, बट आई वाज वेरी होपफुल. होपफुल फॉर व्हाट? होपफुल दैट आई एम डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग डिफरेंट. मुझे नहीं पता कि हिट होगा या फ्लॉप होगा, मैं नहीं जानती कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा इंशाल्लाह. मेरी नीयत ये है, मेरी नीयत ये नहीं है कि ये ब्लॉकबस्टर हो रहा है और बस ये दुनिया में फैल रहा है हर जगह, कि नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल पर जाके ज़रूर लगेगा. इवन दो इट इज़ फीमेल सेंट्रिक, लेकिन जो इसके पीछे इमोशन है ना, वो बिल्कुल वो जेंडर से स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ख्वाब पूरा करना, या चलें ख्वाब की बात भी नहीं करते, हिम्मत की बात करते हैं. हिम्मत करना, एंड स्पेशली व्हेन यू फॉल डाउन, जब आप गिर जाते हैं ज़मीन पे, तब हिम्मत करना. इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर. मुझे इतनी इंसाइट्स मिली कि आई वाज लाइक, हाँ वाकई यार, ये तो बड़ी बड़ी मज़े की बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस तरह होता है ज़िंदगी में. एंड वाई नॉट, अगर आप किसी भी इंसान को, जब अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी जगह पे रखा है ना जहाँ पे लोग आपकी सुनते हैं या आपसे मुतासर होते हैं, तो अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि किसी एक को भी कनेक्ट कर रहे हैं, किसी एक की लाइफ चेंज हो रहा है, तो आई थिंक आप अपना काम कर गए हैं, हो गया आपका काम, हो गया फिर यू गुड टू गो. देन फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बड़ी वो लगती हैं, टेम्प्ररी लगती हैं. तो फहीम के कैरेक्टर को जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो और जब आपने उसको परफॉर्म भी किया, और जैसे आप कह रही हैं कि मैंने खुद सोचा, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट की आपको, क्या क्या चीज़ें, व्हाट हरीम हैज़ टेकन फ्रॉम फहीम? सो मच, देयर वाज सो मच. यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट, अच्छा जब एज एन एक्टर ना, अच्छा थिएटर में ये चीज़ इतनी नहीं होती है, जब आप थिएटर करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप बस कैरेक्टर में होते हैं, एंड यू जस्ट डूइंग इट, और स्टेज पे सब कुछ चल रहा होता है. बट व्हेन यू कम ऑन कैमरा, तो एक कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं हर किसी एक्टर में आ जाती है, वो माने या ना माने, वो कहीं ना कहीं आती है, जहाँ पे यू वॉन्ट टू लुक गुड एंड यू वॉन्ट टू लुक अ सर्टन वे, कैरेक्टर जो भी हो, जैसा भी हो. आई थिंक मेरे में भी वो चीज़ आ गई थी कहीं ना कहीं कि नहीं, ठीक है, यू नो आई हैव टू. एंड देन और फिर ग्लैमर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मेरे साथ वो हो गया था, अटैच हो गया था कि नहीं जी, ग्लैमरस हैं, ग्लैमरस हैं. जब 22 कदम शुरू किया, तो पहले तो ठीक था, बड़ा अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, यू नो वी गोना कीप दिस लुक और यहाँ से शुरू करेंगे, और बड़े मज़े की हमने लुक बनाई, और बड़ा फनी, बड़े मज़े से कर रहे हैं. और मैंने कहा वाओ, आई लुक सो फ्रेश एंड आई लुक सो नाइस एंड लुक सो फ्लशी एंड वेरी नाइस. एंड देन एंड्स द फर्स्ट स्पेल, वी स्टार्ट द सेकेंड स्पेल. सब कुछ चला गया. मुझे याद है सेकंड स्पेल में मैं बैठी थी, सारा उसको मैं भट्टी कहती हूँ, भट्टी आई कि अब ये हरी मैम, मैं आपके लिपस्टिक, मैंने हाथ ना लगाना, मुझे हाथ मत लगाना मुझे इस, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगी, ऐसे ही मैंने कैमरे के आगे आना है. क्योंकि हम सेकंड स्पेल में शूट कर रहे थे ट्रेनिंग जो थी, ओके, जो क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो ये गुजरते हैं जिस चीज़ से. एंड आई सो मच रिस्पेक्ट टू ऑल द एथलीट्स, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, के दे गो थ्रू सच रिग्रेस ट्रेनिंग और इतनी मेहनत करते हैं. मुझे याद है हम जून में, यही सेम, दिस इज़ द सेम टाइम, और ओपन ग्राउंड में हम शूट कर रहे थे, और हमारा 10-15 दिन का शूट था, और हमें करना पड़ता था सुबह में, क्योंकि हमारा डे टाइम का सारा होता था, और टेम्परेचर चल रहा था कुछ 40 डिग्रीज, और वहाँ पे हमने शूट शुरू किया. सब बड़े फ्रेश थे, पहले दिन आए, वेरी नाइस, गुड. जब स्पेल ख़त्म हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया. अम्मी एक दिन मैं कमरे से बाहर निकली तो हंस रही थी मेरे पे, मैंने कहा मामा, यू आर माई मामा, यू कैन नॉट डू दिस टू मी. करी नहीं, आई डिड नॉट मीन टू, बट ही मूव. मैंने कहा ओके, थैंक गॉड यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सही लग रही हैं आप. वो तो मेरे डीओपी का कमाल, मेरे डायरेक्टर का कमाल, बट इतना उसमें वो उस गर्मी में ट्रेन करना, और फिर एक अजीब सा जुनून सा आ गया था कि हाँ नहीं ठीक है, लेट्स डू दिस, वी हैव टू डू दिस. मेरे साथ जो लड़कियां थी, जो हु आर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जो असल में खेलती हैं, वो जो लड़कियां हैं वो एक्चुअल क्रिकेटर्स हैं. वी ऑडिशन्ड देम,
और उनको हमने सो कैसे किया ऑडिशन, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है. सो यू गाइस वेंट टू, सो वी हैड डिफरेंट मोनोलॉग्स. हमने एक ऑडिशन वी प्लेस्ड इन ऑडिशन पीसीबी के थ्रू किया आप लोगों ने? बिल्कुल, और किसी और जगह गए आप लोग? पीसीबी वाज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया लॉजिस्टिक्स में. फिजा को मैं अब फिजे कहती हूँ. फिजे वाज क्या कहते हैं, somebody who was there with me throughout. She was the point of contact between PCB and us, and she helped us out because she was so passionate. She said कि मुझे I am so interested क्योंकि female cricket पर कभी किसी ने इतना वो नहीं किया. Nobody has ever really bothered about this. और इतनी सारी चीजें जो होती हैं, आप हमारी female cricket team देख लें, कहाँ से कहाँ उन पहुँच गए और कितनी मेहनत करी उन्होंने. If you look at Sana Mir, now a very dear close friend, तो अब तो और मैं जानती हूँ और मैं कहती हूँ कि you know it is remarkable कि एक ऐसी टीम को उठाना, एक ऐसी स्पोर्ट को उठाना जिसमें कोई है ही नहीं, कोई देखने के लिए रेडी नहीं है ना होना, और उसका फेस बन जाना और उसको ले के चलना बड़ी हिम्मत का काम होता है. बात है और आपको बड़ा जज्बा चाहिए होता है, बड़ा जुनून चाहिए होता है उसके लिए. एंड नॉट जस्ट हर बट ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम एज वेल. यू मीट देम, ये जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं इनमें एक अजीब जुनून है. एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द मेल क्रिकेटर्स एट ऑल, वो तो नजर आते हैं, दे गेट दैट प्लेटफॉर्म एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. वी लव क्रिकेट, राइट? ऑफ कोर्स, एंड दे डू, एंड दे ब्रिंग दैट प्राइड टू अस एज वेल, बट सो डू दीज वुमेन. क्योंकि ये इनकी जो हमारे पास एस्पायरिंग क्रिकेटर्स आई थी, इनकी स्टोरीज बड़े मजे की थी सुनने वाली, कि हाउ दे वुड किस तरह अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने शुरू किया. एक दिन मैं गई तो हम स्पेल से वापस जा रहे थे, शूट से वापस जा रहे थे, तो मैं निकली तो मैंने एक बाइक पे ना, एक मुझे सामने से बाइक नजर आई, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार तो जानी पहचानी कौन है, उस पर लड़की थी, तो देखा तो हमारी अपनी एक को एक्टर थी. और मैंने कहा ओए तुमने तो वो बाइक कही, हाँ तो और क्या करना है मैंने. और कैसे आने, कोई टेंशन ही नहीं, मैं पहुँच जाती हूँ अपनी बाइक पर. मैंने कहा यार दीज आर द वुमेन, दीज आर द पीपल जो इतनी मेहनत करते हैं. सर ताहिर हु वाज माय कोच, वो इतने पैशनेटली बच्चों को सिखाते हैं. वो कहते हैं मुझे राबिया, आई हैड नो आइडिया, कि मुझे पता था क्रिकेट हमारा जुनून है, मुझे ये नहीं पता था कि इतना है. हम जब फर्स्ट आई वेंट फॉर माय ट्रेनिंग, और वहाँ पे बच्चे ही बच्चे थे जो क्रिकेट खेलने आए हुए थे, एंड देयर वाज सो मेनी गर्ल्स ओवर देयर, यंग गर्ल्स दस दस साल की, आठ साल की, who were there to play cricket. That's so nice. And they wanted to, aur ek mujhe yaad hai usne kaha tha, maine kaha what do you want to do aage jaake, cricketer. She looked at you, what do you mean? And I felt so stupid asking that question. I was like, haan baat to theek hi kari, cricket khelna hai to yehi banna hoga. haan beta theek keh rahi ho. To wo usme unka jo, and just because they have this passion for the sport, ये जो है ना कि मतलब मुझे अपना, मुझे लगता था कि यार मैंने बड़ी हिम्मत की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने अपना आई फॉलोड माई ड्रीम. आफ्टर वर्किंग विद दीज पीपल, मैंने कहा यार मैं तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है, मैंने तो इतना किया नहीं जितना इन्होंने किया. तो ऑडिशंस किया आपने? बिल्कुल. फिर उसमें से आप लोगों ने ये जो एक्चुअल फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको चूज किया टू बी पार्ट ऑफ द टीम? एब्सोल्युटली. कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडिशन की सुना सकती हैं या कुछ? ऑडिशन की, ऑडिशन से ज़्यादा जो है ना हमारी जो ऑन ग्राउंड है ना, क्या हुआ वहाँ पे, वो बड़े मज़े की चीज़ें होती थी. क्योंकि हमें एंड तक वाकई ये लगना शुरू हो गया था कि हम ना टीम है. ओके हम तो शुरू में हुआ था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि शुरू में था एक तो ये कि वो लोग क्रिकेटर्स हैं.